दोस्तों, हम में से कई लोगों ने बचपन में ये चीज़ें सुनी होंगी कि हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए, यानी कि टाइम से सोना चाहिए और टाइम से उठना चाहिए। और बचपन में हमने ये पोयम भी पढ़ा था, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सो गाइस, ये सारी बातें तो हमने बचपन में सुनी थी, जहाँ बचपन में हमने ये सुना कि हमें जल्दी सोना और जल्दी उठना चाहिए। पर साइंस तो कुछ और ही बोलती है। साइंस का मानना है कि देर से सोने वाले लोगों की बौद्धिक क्षमता बहुत अधिक होती है, पर मुश्किल हमारे लिए हो जाता है कि आखिर हमें किसकी सुननी चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों की बात जो हमें बचपन से ये सिखाते आ रहे हैं कि सुबह जल्दी उठो और किताबों में भी ये सारी बातें कही गई हैं, या साइंस की बात को मानना चाहिए, तो हमें किसकी बात को सुननी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में इस कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन का आंसर जानने वाले हैं। सो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और साइड में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें। साथ ही ऑल का ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको ऑल टाइप वीडियो के अपडेट मिलते रहे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टीरियस जीके। मैं आपकी दोस्त मधु आज इस वीडियो में ऐसे ही कुछ बातों को आपको बताने जा रही हूँ जो कि हमारे लिए है तो बहुत ज़रूरी और हमें बहुत सारा कंफ्यूजन भी है कि किसकी बात हमें माननी चाहिए। साइंस की बात माननी चाहिए, उस हिसाब से हमें देर से सोना चाहिए, या फिर हमें अपने ट्रेडिशनल जैसे कि बड़े बुजुर्गों की बात को सुननी चाहिए जो हमें बचपन से सिखाते आ रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और जानते हैं कि आखिर हमें किन की बातों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और किन की बातों पर मतलब कि क्या सोचना चाहिए, क्या मतलब उनके अकॉर्डिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में। वेल दोस्तों, हम इस वीडियो में दो कैटेगरी वाले लोगों की बात करने वाले हैं। पहला, जो लोग बहुत ही जल्दी सो जाते हैं और बहुत जल्दी उठ जाते हैं, और दूसरा जो लोग देर से सोकर उठते हैं और मतलब रात को देर से सोते हैं। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं सुबह जल्दी सोकर उठने वाले लोगों के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे लोग सुबह जल्दी सोकर उठते हैं क्योंकि किताबों से लेकर हमारे बड़े बुजुर्गों तक ये बात कहे हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सुबह 4 से 5 के बीच उठने वाले लोगों को दिन की शुरुआत भी बहुत ही जल्दी करनी होती है और उनकी दिन की शुरुआत भी बहुत ही जल्दी हो जाती है, और साथ ही सूरज के पहले किरण से ऐसे लोगों का बॉडी कॉन्टैक्ट में रहता है जिसके वजह से उस इंसान का स्वास्थ्य भी बहुत ही बढ़िया रहता है, मतलब वो बहुत हेल्दी रहते हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसा तो साइंटिफिकली माना ही गया है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनका शरीर, उनका स्वास्थ्य, उनका हेल्थ बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 4 से 5 का जो समय होता है उठने का, वह सुबह का सबसे अच्छा समय होता है क्योंकि यह ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। इसलिए इतिहास में भी आपको बहुत ऐसे लोग के बारे में सुनने को मिल जाएगा जिनका सुबह जल्दी उठने वाले आदतों के बारे में शायद आपने उनके बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा, और उनकी इन्हीं आदतों की वजह से वो बहुत महान भी बने, ऐसा भी आपने स्टोरी में सुना होगा। क्योंकि इन सभी लोगों का मानना था कि इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में इंसान जो भी सोचता है, जो भी चाहता है, उसे ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और बिल्कुल लास्ट तक देख कर ही जाना क्योंकि इस वीडियो में आप बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ों को जानने वाले हैं। दोस्तों, रिसर्च के आंकड़े भी यही कहते हैं कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनके शरीर में उन लोगों के मुकाबले जो देर से सुबह उठते हैं ज़्यादा चुस्ती, फुर्ती और एकाग्रता देखने को मिलती है। यहाँ तक कि साइंटिफिक रिसर्च से भी ये बात सामने आई है कि जल्दी उठने वाले लोगों का शरीर काफ़ी स्वस्थ रहता है, मतलब कुल बात हमारे फायदे के लिए सही मानी जाती है ये चीज़ें कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं जो लोग देर से सोकर उठते हैं। दोस्तों, जो लोग देर से सोकर उठते हैं यानी 10 से 11 बजे उनकी सुबह होती है, वो लोग समाज से कट जाते हैं। जाहिर सी बात है ना कि जो लोग देर से सोएंगे वो देर से उठेंगे भी, और जबकि इतने समय में तो सारी दुनिया एक्टिव ही हो जाती है, यानी कि सबका अपना अपना जो रूटीन होता है उस हिसाब से सारे लोग अपने काम पर चले जाते हैं, सभी लोगों का दिनचर्या शुरू हो जाता है और लोग अपना आधे से ज़्यादा काम निपटा चुके होते हैं। जहाँ महिलाएं नाश्ता बनाकर खाना की तैयारी कर रही होती हैं, जो दूसरी तरफ देखा जाए तो बच्चों का आधा दिन का पढ़ाई स्कूलों में पूरा हो जाता है, वहीं ऑफिस जाने वाले लोगों का काम भी शुरू हो जाता है। तो ऐसे में देर से उठने वाले लोगों
का क्या होगा, समाज से वो जुड़ नहीं पाते हैं और ऐसे में वो उन लोगों से काफ़ी अलग हो जाते हैं। दोस्तों अब हम उन लोगों की बात करते हैं जो ये सोचते हैं कि अगर वो रात में देर से सोएं और सुबह जल्दी उठ जाएं तो ऐसा करना एक या दो दिन तक सही हो सकता है, क्योंकि अगर हम अपनी नींद पूरी ना करें तो हमारा दिमाग कुछ अलग ही तरीके से काम करने लगेगा और ये हमारे दिमाग पर बहुत ही बुरा असर डाल सकता है। दरअसल हम दिन भर में जितना काम करते हैं उसे हमारा दिमाग अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके रखता है और तब अगर हम किसी चीज़ को याद करते हैं तो वो हमें तुरंत याद आ जाता है, क्योंकि वो हमारा दिमाग इन्फॉर्मेशन जो भी रखता है वो सब अलग अलग जगह पर स्टोर रखता है। लेकिन दोस्तों ऐसे में हमारे दिमाग में एक ही जगह सारी चीज़ अगर स्टोर कर दी जाए तो इससे हम उन चीज़ों को याद कर नहीं पाएंगे और हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमें 6 घंटे की प्रॉपर नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए और नींद पूरी करने के लिए इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि नींद पूरा नहीं होता है तो इसका असर डायरेक्ट हमारे शरीर पर दिखता है। दरअसल जो लोग अपनी नींद को पूरी नहीं करते हैं उनके शरीर में खुश रहने वाले हार्मोन यानी कि डोपामिन बनने की क्षमता कम हो जाती है और इससे उनका ही नुकसान होता है, क्योंकि फिर वो टेंशन और स्ट्रेस में रहने लगते हैं। इसलिए हमेशा नींद पूरी करना आपको बहुत ही ज़रूरी है, आपको पूरी नींद लेनी चाहिए। हाँ लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जो लोग देर से सोते हैं उनका दिमाग थोड़ा ज़्यादा क्रिएटिव होता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे भीड़ से अलग होकर चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं और अपने लाइफ के जो भी डिसीजंस होते हैं उन पर वो फैसला लेते हैं। वैसे लोग जो देर रात तक सोते हैं, जागते हैं, काम करते हैं, उनका दिमाग ज़्यादा क्रिएटिव बस इसलिए होता है क्योंकि वो चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरह से देखते हैं, क्योंकि उनको अपना एक अलग ही जुनून होता है, एक अलग ही उनका मुकाम बनाने की उनके अंदर क्षमता होती है। वो चाहते हैं कि वो दुनिया से अलग हों, वो भीड़ के साथ ना चले। इसलिए बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों को आपने देखा होगा कि वो लोग देर से सोते हैं ताकि उनके माइंड में बेहतर से बेहतर आइडियाज़ आएँ और वो उन पर अच्छे से काम कर सकें, क्योंकि उन्हें ये चिंता नहीं होती है कि दुनिया के रेस में उन्हें सुबह उठकर दौड़ना है। तो अपना गोल वो खुद सेट करते हैं, इसलिए वो अपने सपने को पूरा करने में लग जाते हैं। हालांकि ऐसे लोग जो देर से सोते हैं उनका फाइनेंशियल स्टेटस तो ठीक रहता है पर फिज़िकल स्टेटस उतना ठीक नहीं रहता है, क्योंकि दोस्तों जाहिर से बात है कि वो लोग एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते होंगे। जो लोग सुबह उठते हैं वो लोग ये भी फ़ायदा उठा लेते हैं कि वो एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं, जिसके कारण उनका शरीर अच्छा रहता है, उनका हेल्थ अच्छा रहता है। वेल दोस्तों आपको अपनी 6 घंटे की नींद ज़रूर पूरी करनी चाहिए, क्योंकि इतनी नींद आपको फ्रेश और एक्टिव कर देती है, जिसके बाद आप अपने लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो। सो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो यार, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए ताकि आने वाले और भी वीडियो के अपडेट आपको मिले, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।